फैक्ट नंबर वन, बचपन में किताब को देखते ही कई बच्चों का मुंह बन जाता था, लेकिन ये हमें शिक्षित और समझदार बनाने का काम करती हैं। दुनिया भर में अलग अलग विषयों पर किताब प्रिंट की जाती है, जिन्हें पढ़ने वाले लोगों की संख्या लाखों करोड़ों में है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी प्रिंटेड किताब कौन सी है और इस वक्त वो किताब कहाँ है? आपको बता दें कि विश्व की सबसे पुरानी और पहली प्रिंटेड किताब का नाम डायमंड सूत्र है, जिसे 868 ईस्वी में चीन में छापा गया था। इस किताब में भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के बीच हुआ संवाद है, जिसे साल 1900 में चीन के डुनहुआंग में मोगाओ गुफाओं में खोजा गया था। इन गुफाओं को प्राचीन काल में बौद्ध गुफा के रूप में जाना जाता था, जहां दुनिया की सबसे पुरानी और पहली प्रिंट किताब को सुरक्षित रखा गया था। इस किताब की लंबाई 5 मीटर के आसपास है, जिसकी मूल प्रति को लंदन में ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखा गया है। शोधकर्ताओं की माने तो इस किताब को छापने के लिए वुड ब्लॉक तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें लकड़ी के ब्लॉक पर अक्षर और छवि बनी होती है। इन लकड़ियों के ब्लॉक पर स्याही लगाकर उन्हें कागज पर छापा जाता था, जिसमें चीन की सिद्धम लिपि का इस्तेमाल किया गया है, और इस किताब में भगवान बुद्ध समेत कई तरह के चित्र भी देखने को मिलते हैं।